गीतांजलि किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दाल फ्राई। दाल फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी तूर दाल, एक प्याज, एक टमाटर, हरा धनिया, बटर, 3 सूखी लाल मिर्च, तेल, 1 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट, आधा चम्मच मेथी के दाने, आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, पाव चम्मच हींग और पाव चम्मच हल्दी। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच बटर डालकर इसे गर्म कीजिए। गर्म होने के बाद इसमें सरसों, जीरा और मेथी के दाने डालकर इसे भूनिए। अब इसमें लाल मिर्च, हींग, अदरक लहसुन की पेस्ट, प्याज, टमाटर और थोड़ा हरा धनिया डालकर इसे 5 मिनट के लिए भूनिए। अब इसमें दाल और बचे हुए सारे इंग्रेडिएंट्स और थोड़ा पानी डालकर इसे उबाल आने तक पकाइए। उबाल आने के बाद इसमें थोड़ा नमक डालकर गैस को ऑफ कीजिए। तैयार है दाल फ्राई। अगर आपको दाल फ्राई अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।